नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 7 शहरों में होंगी नीट के केंद्र। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया हवाई सर्वेक्षण। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल की स्थिति पर फिर उठाया सवाल। बिहार लोजपा की जिम्मेदारी अब प्रिंस राज के हाथ। बालू नहीं मिलने पर खनन विभाग के अधिकारी अब करेंगे आपकी मदद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 7 शहरों में होंगे नीट के केंद्र। कोरोना की दूसरी लहर के बाद नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर तारीख जारी कर दी गई है। देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में नामांकन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन स्वीकार कर रही है, जिसके तहत अब योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अगस्त तक NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। वहीं नीट परीक्षा को लेकर बिहार में भी 7 शहरों का चयन किया गया है, जहां पर परीक्षा के आयोजन को लेकर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके तहत ही अब पटना के साथ साथ गया, हाजीपुर, मधुबनी, नालंदा, सीतामढ़ी और वैशाली में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। IBPS ने क्लर्क भर्ती की परीक्षा पर लगाई रोक। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया है। IBPS की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार कन्नड़ के एक भाषा के रूप में नहीं रखने के कारण कर्नाटक से उत्पन्न भाषा विवाद के चलते IBPS क्लर्क भर्ती 2021 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है, जिसके तहत ही अब उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आवेदन लिंक के संबंध में लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी IBPS.IN पर नजर रखे। आपको बता दें कि IBPS क्लर्क परीक्षा 28 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित होने वाली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वेक्षण। इन दिनों नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के कारण बिहार की नदियों में उफान आने के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद बिहार की एक बड़ी आबादी वर्तमान समय में बाढ़ के कारण परेशानियों का सामना कर रही है। इसी बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन एक बार फिर से हवाई सर्वेक्षण करते देखे गए, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, नालंदा, नवादा और राजधानी पटना में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया, जिसके बाद सभी अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं अब NDRF और SDRF की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही तटबंधों की लगातार निगरानी के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। पथ निर्माण मंत्री ने महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य का लिया जायजा। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बीते दिन महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसको लेकर वो हाजीपुर पहुंचे थे। जायजा लेने के बाद उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि साल 2022 के मार्च महीने तक महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे इस सेतु पर उत्तर बिहार के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 तक महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। सुनील शेट्टी बीते दिन पहुंचे पटना। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बीते दिन सुनील शेट्टी बिहार आए, जहां वो सेना के माध्यम से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम आज एक शाम शहीदों के नाम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं इस दौरान सुनील शेट्टी ने ETV भारत से बातचीत के दौरान बिहार वासियों को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार के लोगों से प्रेम है, बिहार के लोग भी उन्हें बहुत चाहते हैं, ऐसे शुभचिंतक के बीच वो आना पसंद करते हैं। इसके बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि सेना के कार्यक्रम को लेकर पटना आया, सच में रियल हीरो के बीच समय बिताना बहुत अच्छा लगा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के माहौल से जल्द ही देश के निकलने की कामना भी की है। राजधानी पटना में अब गाड़ी लेने की समस्या से मिलेगा निजात। राजधानी पटना में अब पार्किंग की समस्या से मिलेगी निजात। राजधानी पटना में अब आपको पार्किंग के लिए होने वाली समस्याओं से निजात मिलने वाला है। इसको लेकर पटना नगर निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 38 जगहों को स्मार्ट पार्किंग स्थल के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। इसको लेकर ही नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हरियाणा की एक निजी कंपनी को अगले 2 से 3 साल में इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, जिसके बाद PMC को उम्मीद है कि अगस्त के आखिरी महीने तक स्मार्ट पार्किंग सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। निर्मित इस स्मार्ट पार्किंग सिस्टम में LED आधारित दिशा संकेत लगाए जाएंगे। इसके अलावा बेहतर मार्गदर्शन और पोर्टेबल केबिन, पीने का पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं ई वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, लेकिन केवल उन्हीं वाहनों के लिए जो वहां खड़े किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल की स्थिति पर फिर उठाया सवाल। बिहार में सरकारी शिक्षा और व्यवस्था की दुर्दशा आज के समय में किसी से भी नहीं छुपी है। वहीं अब बिहार के सरकारी स्कूल की बदहाल हुई
व्यवस्था को लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी गंभीरता दिखाई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस ए के उपाध्याय ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि कितने आईएएस आईपीएस और अन्य बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल की दशा तभी सुधरेगी जब अधिकारियों के बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से सभी जिलों के डीएम से सारे आंकड़े एकत्र कर अगली सुनवाई में इस मामले पर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। वहीं इससे पहले हुई सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने अतिथि अध्यापकों को हटाए जाने पर भी संज्ञान लिया था और इस पर रोक लगा दी थी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री की। देवकी नंदन खत्री का जन्म 18 जून 1861 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पूसा में हुआ था। बाबू देवकी नंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसा स्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी थी। बाबू देवकी नंदन खत्री ने तिलिस्म, अय्यार और अय्यारी जैसे शब्द को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। जितने भी हिंदी पाठक उन्होंने उत्पन्न किए हैं उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं किए हैं। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो इन जिलों में कई जगहों पर आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने कहा है कि लोग इन दिनों अलर्ट रहें। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर की बात करें तो इन जिलों में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के इन जिलों में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गरज के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में मौसम सामान्य होगा। वहीं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में मौसम सामान्य रहेगा। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया के अधिकतर जगहों पर तेज बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की तैयारी में बिहार सरकार। बिहार के आसपास के इलाकों में होने वाली बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति हर साल बिहार में उत्पन्न होती है। वहीं बाढ़ से बचाव को लेकर अब बिहार सरकार ने अहम पहल की है, जिसके तहत बाढ़ से बचाव के लिए छोटी नदियों को जोड़ने का काम किया जाना है, जिसकी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने दी। इसको लेकर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने बजट से फिलहाल उत्तर और दक्षिण बिहार की एक एक नदियों का चयन कर उन्हें जोड़ने की योजना पर विचार कर रही है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और एक्सपर्ट इस संबंध में विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बांध पर फटे पुराने बैग या बालू की जगह मिट्टी के इस्तेमाल की फोटो को #HelloWRD के साथ भेजने की भी बात कही है। इसके साथ ही फोटो पोस्ट करते वक्त @GoogleMaps का लोकेशन अटैच करने को भी कहा है। परिषद के 24 सदस्य का आज हो जाएगा कार्यकाल खत्म। आज से बिहार विधान परिषद की 24 सीटें खाली हो जाएंगी। इसमें से 20 सीट आज खाली होने वाली है। वहीं 4 सीट विभिन्न कारणों की वजह से पहले से ही खाली पड़ी थी। 75 सदस्यों वाले विधान परिषद में मात्र 51% ही लोग बच जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन एमएलसी का कार्यकाल आज से खत्म हो रहा है वो ऐसे एमएलसी है जो स्थानीय निकाय में निर्वाचित होकर विधान परिषद पहुंचे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब जब तक बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होगा तब तक ये सभी इंतजार करेंगे, जिसके तहत संतोष कुमार सिंह, टुन्नाजी पांडे, सलमान रागिब, रीना यादव, राधाचरण साह, मनोरमा देवी समेत कई एमएलसी का नाम इसमें शामिल है। प्रीपेड मीटर लगाने वालों को रिचार्ज का मिलेगा अतिरिक्त 3 दिन का समय। बिहार को स्मार्ट बनाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। इसी बीच बिहार के कई जिलों में सरकार स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है। बाद ग्राहकों को जीरो बैलेंस दिया जाता है, जिसको रिचार्ज करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसको लेकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले फील्ड इंजीनियरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का काम किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 300 इंजीनियरों ने हिस्सा लिया था। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाने से अब उपभोक्ताओं को बिल भरने के बिजली ऑफिस के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे, वहीं आप खुद ही इसका रिचार्ज अब कर पाएंगे। से पहले माँ बाप से आशीर्वाद लेने पहुंचे पंकज त्रिपाठी। गोपालगंज से निकले अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपनी आने वाली फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं आगामी 30 जुलाई को रिलीज होने वाली उनकी फिल्म मिमी का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। वहीं ट्रेलर लॉन्च होने के साथ ही पंकज त्रिपाठी अपने गाँव पहुँच गए, जिसके तहत पंकज त्रिपाठी ने अपनी फिल्म की सफलता के लिए माँ और पिता से आशीर्वाद लिया, जहां उनके पिता पंडित बनारस तिवारी और मां हेमंती देवी ने उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया। साथ ही दोनों ने अपने लाल की सफलता के लिए कामना भी की है, जिसके बाद पंकज त्रिपाठी काफी भावुक नजर आए और उन्होंने यकीन से कहा है कि अब उन्हें आशीर्वाद मिल गया है, अब उनकी फिल्म जरूर हिट होगी। बिहार के 18,000 से अधिक तालाब, आहर, पइन और कुएं होंगे अतिक्रमण मुक्त।
बिहार सरकार ने हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब, पोखर, आहर, पइन और कुओं को अतिक्रमण मुक्त करवाने का टास्क दिया है, जिसकी जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपी गई है, जिसके तहत अब राज्य भर में 2000 अधिक जल संचयन के स्रोत और 8000 से अधिक कुओं को कब्जा मुक्त करने की पहल शुरू की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक जल स्रोतों की संख्या 72,960 है। 81,727 सार्वजनिक कुएं चिन्हित किए गए हैं। विभाग ने सत्यापन में पाया है कि 17,625 तालाब, पोखर, आहर और पइन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। 15,616 संरचनाओं से कब्जा हटवा दिए गए हैं, वहीं 2009 पर अब भी कब्जा कायम है। राजधानी पटना में चलेंगी सीएनजी बसें। राजधानी की आबो हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की प्रक्रिया बिहार में शुरू हो गई है, जिसके तहत ही बिहार को 50 नई सीएनजी बसों की सौगात मिली है, जिसके तहत बिहटा, फतुहा और हाजीपुर से सीएनजी बसों का परिचालन करवाया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही करने वाले हैं। हालांकि अभी इसको लेकर सीएम सचिवालय से उद्घाटन तारीख का आना बाकी है, जिसके बाद अब इस महीने के अंत तक कभी भी जारी की गई सीएनजी बस सड़कों पर देखने को मिलने वाली है। राजधानी पटना में लोकल रूट के अलावा बिहटा रूट को मिलाकर लगभग 40 बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके अलावा 10 बसों का परिचालन पटना सिटी सहित फतुहा और हाजीपुर के लिए किया जाना है। इस बाबत परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पटना में सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिलेगी। बिहार लोजपा की जिम्मेदारी अब प्रिंस के हाथ में। जब से लोजपा पार्टी दो गुटों में बटी है, तब से पार्टी के चिन्ह को लेकर लड़ाई जारी है। हालांकि इन सबके बीच चुराग के लाख कोशिशों के बावजूद जहां एक तरफ पशुपति पारस ने लोजपा के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली, वहीं अब उन्होंने बिहार लोजपा की कमान प्रिंस राज को सौंप दी है, जिसके तहत पशुपति पारस ने प्रिंस राज को लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विकास रंजन उर्फ पप्पू सिंह को झारखंड, ललित नारायण चौधरी को उत्तर प्रदेश, रवि गरुड़ को महाराष्ट्र, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वैंग को उड़ीसा, रूपमकर को त्रिपुरा और अमित नरेश राठी को दादर नागर हवेली और दमन दीव का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वहीं राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश के श्री प्रकाश सिंह को नियुक्त किया गया है। तेजस्वी यादव ने की खुद को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं सरकार पर निशाना साधने का। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति है, लोग मर रहे हैं। राजधानी पटना में थोड़ी सी बारिश होने पर उप मुख्यमंत्री का आवास तक डूब जाता है। ऐसे में आम आदमी के घरों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। महंगाई और बेरोजगारी की समस्या विकराल हो गई है, सारी व्यवस्था ही चौपट हो गई है। तेजस्वी ने बिहार की नीतीश सरकार को नाकाम बताया, साथ ही ये भी कहा कि अगर उन्हें एक बार मुख्यमंत्री बना दे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक बार मुख्यमंत्री बनाकर तो देखे। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी का भी घेराव किया है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को कहा नकलची। जनसंख्या के मुद्दे को लेकर बिहार में काफी घमासान देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर नया राग छेड़ दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जनसंख्या कानून लागू करने की बात पर असमर्थता दिखाई थी। उसी बयान को अब कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कांग्रेस का बयान बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या कानून के लागू होने को लेकर जो भी लाइनें कही हैं वो कांग्रेस की है, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी बातों को उनके ही लोग अब नहीं मान रहे हैं। बिहार एनडीए में जो कंफ्यूजन का माहौल है, उसे एक बात तो साफ है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार में शायद ही सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। मुख्यमंत्री के एरियल सर्वे पर पप्पू यादव ने कसा तंज। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जिलों में एरियल सर्वे करवाकर बाढ़ का जायजा लिया है। वहीं अब मुख्यमंत्री के इस कदम पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसके तहत जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वेक्षण सब हवाई हो जाता है, जमीनी सर्वेक्षण कीजिए, जमीन पर काम होगा, वरना बाढ़ आपके नेता मंत्री के लिए अवसर, आपके लुटेरे अधिकारियों के लिए उत्सव और जनता के लिए जी का जंजाल बन जाती है। बाढ़ के नाम पर बिहार में शुरू हुई सियासत। बिहार में सियासत शुरू करने के लिए किसी मौके या दस्तूर की जरूरत नहीं है, मुद्दा चाहे कोई भी हो बिहार में सियासी रूप ले ही लेती है। इसी कड़ी में अब बिहार में बाढ़ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ विपक्ष ने बाढ़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने लालू परिवार पर बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने लालू राबड़ी राज और नीतीश कुमार के शासनकाल की तुलना करते हुए दोनों में मौलिक अंतर बताया। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि आखिर लालू वाद विचारधारा से कितने बाढ़ में प्रभावित किसानों को लाभ पहुंचाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी खजाने का पहला हक आपदा पीड़ितों को ही दिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को 1856 में कानूनी मान्यता आज के दिन मिली थी। नेशनल जियोग्राफिक ने 1926 को पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों का प्राकृतिक रंगीन फोटो आज के दिन निकाला था। भारत ने 1981 में परमाणु परीक्षण आज के दिन किया था।
भारतीय हॉकी कप्तान धनराज पिल्ले का जन्म 16 जुलाई 1968 को हुआ था। बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1984 को हुआ था। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार केवी सुबन्ना का निधन 16 जुलाई 2005 को आज ही के दिन हुआ था। पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने हार्दिक पांड्या को लेकर कही अहम बात। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने हार्दिक पांड्या को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर की सीरीज के लिए सिलेक्टर्स को टीम के चयन में काफी मुश्किल आ सकती है। भारत ने श्रीलंका दौरे के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया है। उन्होंने कहा T20 वर्ल्ड कप में भारत के पास टीम चुनने के कई विकल्प होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की वजह से भारतीय थिंक टैंक यंग टैलेंट को शामिल करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा यदि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हैं तो भारत के पास T20 वर्ल्ड कप से पहले काफी विकल्प होंगे। फोन बंद होने पर भी व्हाट्सएप पर होगी चैटिंग। व्हाट्सएप समय समय पर अपने यूजर के लिए नए नए फीचर्स को रोल करता रहता है। इसी क्रम में अब व्हाट्सएप ने एक और शानदार फीचर रोल किया है। व्हाट्सएप का यह नया फीचर मल्टी डिवाइस सपोर्ट है। इस फीचर की मदद से यूजर फोन के अलावा 4 अलग अलग डिवाइस पर एक साथ व्हाट्सएप चला सकेंगे। खास बात यह है कि अलग अलग डिवाइसेज से व्हाट्सएप अकाउंट लिंक होने के बावजूद यूजर की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी इस फीचर को एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ ऑफर कर रही है। मल्टी डिवाइस सपोर्ट की खासियत है कि फोन एक्टिव नहीं रहने या इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होने पर भी यूजर दूसरे डिवाइस जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप चैटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,090 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,090 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,500 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.23 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.81 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अंकित कुमार, कुंदन कुमार, एनके मुन्ना म्यूजिक, मिथिलेश कुमार, रोशन राज, ललित कुमार, पूजा अग्रवाल, अरविंद साह, आदर्श अनुज, मंटेश कुमार, अजीत कुमार सहनी, निधि गुप्ता, दिनेश मुखिया, रुपेश कुमार, धर्मेंद्र रजा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सरकार को और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।